हेलो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा सीबीएसई 10th सपोर्टिव मटेरियल जो ऑलरेडी मैं तीन वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। सपोर्टिव मटेरियल सीबीएसई क्लास 10th के लिए, मैथ्स के लिए है। ये फोर्थ वीडियो लास्ट वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री के सोल्यूशन के। आई होप आपको पसंद आएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 से। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने, देखिए हमारे पास दिया हुआ है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ था हमें। तो साइन थीटा की जगह साइन थीटा पुट कर लिया। ये जो साइन स्क्वायर प्लस का है ये इधर ले आओ, ये आ गया माइनस का। साइन थीटा अपनी जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर बन गया कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, हमने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। तो जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। और जब यहां स्क्वायर करोगे तो कॉस स्क्वायर की पावर 4 चढ़ जाएगी, क्योंकि आपने दोनों साइड स्क्वायर कराया। नेक्स्ट बात करते हैं। अब आप देखिए, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर आ गया तो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लगाओगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस की पावर 4 अपनी जगह जैसा था वैसे लिख दिया, 1 को यहीं छोड़ दिया एलएचएस में। ये जो माइनस का है जब आप इधर लाओगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का। तो कॉस की पावर 4 तो ऑलरेडी थी, ये माइनस का इधर आ गया प्लस का। तो अल्टीमेटली क्या आया, 1 इक्वल टू कॉस की पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लिख सकते हैं इसे, जो हमारा रिक्वायरमेंट आंसर था, कि cos स्क्वायर थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1, नीचे लिख दिया cos स्क्वायर प्लस cos 4 पावर थीटा इक्वल टू 1, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपको कह रहा है कि बिना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का इस्तेमाल करके आपको इस पूरे की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखिए, जैसे 2 है तो 2 में से आप किसी एक को चेंज कर दीजिए, चेंजिंग रूल होता है। या तो कॉट को बदल दीजिए 90 माइनस थीटा करके, या 10 90 माइनस थीटा की जगह कॉट थीटा भी आप लिख सकते हैं। दोनों में से आप जिस मर्जी को बदल सकते हैं। मैंने कॉट को चेंज करा तो कॉट को क्या लिख सकता हूं मैं, 10 90 माइनस थीटा। 10 90 माइनस थीटा जैसा था वैसे लिख दिया। अब यहां भी देखो, 2 नंबर है, एक sec 90 माइनस थीटा एक cosec। अब इन दोनों में से किसी एक को बदलिए, या तो sec को बदलिए या cosec को। तो sec 90 माइनस थीटा छोड़ दिया मैंने, मैंने cosec थीटा को बदला, तो cosec थीटा की जगह क्या आएगा, sec 90 माइनस थीटा, जो इसका फॉर्मूला होता है। फिर यहाँ पर साइन स्क्वायर 65 था और यहाँ साइन स्क्वायर 25 है, इन दोनों में से किसी एक को बदलिए। तो साइन स्क्वायर 65 मैंने छोड़ दिया, साइन स्क्वायर 25 की जगह कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, अंडरूट 3 अपनी जगह। फिर यहाँ देखिए, टेन 5 है और टेन 85 है, इन दोनों में से किसी एक को बदलिए, या तो टेन 5 को बदल दीजिए या टेन 85 को बदल दीजिए। मैंने टेन 5 की जगह टेन 5 ही छोड़ा है, और टेन 85 को जब आप बदलोगे कॉट 90 माइनस थीटा आ जाएगा, ठीक है। देखिए, टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा दो बार है, तो मैं लिख सकता हूँ टेन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा दो बार है, तो लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा। साइन स्क्वायर 65 अपनी जगह, कॉस स्क्वायर अपनी जगह, 90 में से 25 माइनस करोगे 65 आ गया, अंडरूट 3 अपनी जगह। अपने दो में से किसी एक को बदला था, ऐसे छोड़ दो आप इसे। अब ये देखिए, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, अगर मैं माइनस पहले लगा लूं यहां पर, तो सेक स्क्वायर पहले आ जाएगा और टेन स्क्वायर बाद में। मीन्स माइनस कॉमन लेने पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1। तो माइनस कॉमन लीजिए, ये माइनस ये वाला यहां आ गया, तो माइनस कॉमन लेने पर बन गया सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का मतलब 1 होता है। साइन स्क्वायर 65 और कॉस स्क्वायर 65 दोनों मिलकर क्या हो गया, 1, अंडरूट 3 अपनी जगह, टेन 5 अपनी जगह, कॉट 90 में से 85 माइनस करोगे कॉट 5, टेन 5 और कॉट 5 इसकी वैल्यू भी 1 होती है। माइनस 1 और प्लस 1 ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया, अंडरूट 3 बचा, टेन 5 और कॉट 5 की वैल्यू 1 होती है। तो सॉल्व करके क्या आ गया, अंडरूट 3, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 36 आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ था, उसमें आपको sec स्क्वायर प्रूफ करना है। तो मैंने LHS ले लिया, LHS आपके सामने जो दिया था वही लिख दिया। देखिए, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा अपॉन में tan थीटा, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा, sin थीटा की जगह sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा की जगह cot थीटा। tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो गया तो 1 आ गया। ऊपर यहां लिखा हुआ sec थीटा, sec थीटा की जगह क्या लिखोगे, 1 अपॉन cos थीटा, sin थीटा जैसा था वैसे लिख दिया। नीचे कॉट थीटा है, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। फिर देखिए, 1 की जगह 1 जैसा था वैसे लिख दिया। जब 1 की साइन से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर आएगा साइन थीटा, कॉस की जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे आएगा कॉस थीटा। नीचे क्या था, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, तो नीचे जैसा था हमने वैसे लिख दिया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 की जगह फिर से 1, प्लस की जगह फिर से प्लस,
हम जानते हैं कि ऊपर वाले वैल्यू जो होती है वो सेम होती है, न्यूमरेटर सेम होती है, और जो नीचे वाली वैल्यू होती है डिनोमिनेटर, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो जब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे, मतलब इसको पलट दोगे, उल्टा कर दोगे, व्युत्क्रम कर दोगे, तो ये साइन और ये साइन मल्टीप्लाई हो जाएगी तो साइन स्क्वायर, और ये कॉस और ये कॉस मल्टीप्लाई होगी तो कॉस स्क्वायर। वन अपनी जगह, प्लस अपनी जगह, साइन अपॉन कॉस किसका फॉर्मूला होता है, टेन का फॉर्मूला, दोनों पे स्क्वायर है तो आपने इस पर स्क्वायर लगा दिया। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, sec स्क्वायर, यही हमें प्रूफ करना, तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, बड़ा सा क्वेश्चन है लेकिन आंसर निकालना बहुत सिंपल है। देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ था और आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, तो वैल्यू फाइंड करना बहुत आसान है। देखिए आप देखो, दो चीज दिख रहा है आपको, दो वैल्यू में से किसी एक को बदल दीजिए, तो इसको ऐसे छोड़ दिया, कॉस स्क्वायर को चेंज कर लिया साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा में, यहां भी दो वैल्यू है तो दो में से किसी एक को बदल लीजिए, सेक स्क्वायर को छोड़ दीजिए, कॉट स्क्वायर को बदलोगे, कॉट बदलता है टेन में, टेन 90 माइनस थीटा, टू अपनी जगह, कॉसेक स्क्वायर अपनी जगह, टू अपनी जगह। अब यहां देखिए दो वैल्यू है, एक कॉट है और एक टेन है, तो दो में से किसी एक को बदल लीजिए, मैंने कॉट को छोड़ दिया, टेन को बदल लिया, वैसे किसी को भी चेंज कर सकते हो आपकी मर्जी है, टेन को बदल दिया कॉट में, कॉट 90 माइनस थीटा, यहाँ माइनस फोर अपनी जगह। अब यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5 पांच वैल्यू है, पांच वैल्यू में 10, 45 को छोड़ दीजिए क्योंकि 10, 45 की वैल्यू 1 होती है, तो इसको छोड़ दीजिए तो बचे चार, इन चारों में से 1, 2, 3, 4 में से दो को चेंज कर लीजिए और दो को छोड़ दीजिए, तो 10, 13 छोड़ दिया, 10, 37 छोड़ दिया, इसको बदल लिया, 10, 77 को बदलूंगा कॉट 90 माइनस थीटा में, मैंने कहा था कॉट 45 को छोड़ दीजिए तो वैसे ही छोड़ दिया और 10 को बदल लिया कॉट, मीन्स पांच में से 10, 45 को तो छोड़ना है, बाकी दो को छोड़कर दो को बदलना है, आधे को चेंज करना, आधे को छोड़ देना है, आधे को इसलिए बदलते हैं ताकि उनमें फॉर्मूला लग जाए। अब देखिए फॉर्मूला लगाने क्या हुआ, साइन स्क्वायर 20 था, इसको 90 में से 70 माइनस करोगे ये भी 20 आ जाएगा, सेक स्क्वायर 50 था, टेन स्क्वायर अपनी जगह, 90 में से 40 करोगे 50 आ गया, 2 cosec स्क्वायर 58 अपनी जगह, 2 अपनी जगह, cot 58 अपनी जगह, cot अपनी जगह, 90 में से 32 माइनस करोगे 58 अपनी जगह, 4 अपनी जगह, tan 13 अपनी जगह, tan 37 अपनी जगह, cot अपनी जगह, 90 में से 77 माइनस करोगे 13 हो जाएगा, cot tan 45 अपनी जगह, cot अपनी जगह, 90 में से 53 माइनस करोगे 37 हो जाएगा। हम जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ऊपर की वैल्यू दोनों मिलकर 1 होती है, ऐसे ही sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी 1 होती है, तो 1 अपॉन में 1 इनमें, इन दोनों में, देखिए इसमें और इसमें आपको दिख रहा होगा 2 कॉमन है, तो दोनों में से 2 कॉमन निकाल लिया, जब 2 कॉमन निकालो तो यहां बचेगा cosec स्क्वायर थीटा, यहां बचेगा माइनस cot स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस अपनी जगह 4 अपनी जगह, tan 13 और cot 13 इनको एक साथ लिख लीजिए, tan 13 और cot 13 एक साथ, tan 37 cot 37 एक साथ और tan 45 अलग रख दीजिए, ठीक है, 1 अपॉन 1 अपनी जगह पे, 2 अपनी जगह पे, देखिए cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा दोनों मिलकर क्या हो गया, 1 हो गया, माइनस 4 अपनी जगह, tan 13 और cot 13 ये भी 1 होता है, tan 37 और cot 37 ये दोनों मिलकर 1 होगा और tan 45 की वैल्यू 1 हो गई, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, 1 अपनी जगह रहेगा, 2 1 2 हो जाएगा, 1 अपनी जगह, 2 1 2 हो जाएगा और माइनस का इन सब की मल्टीप्लाई करो तो 4, तो 1 2 ये प्लस के हो गए 3 और माइनस का 4, तो आंसर माइनस 1 आ जाएगा जो नीचे दिया हुआ है, 1 प्लस 2 माइनस 4, तो ये आ गया माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 दिया हुआ है कि ABC राइट ट्रायंगल है तो आपको ये प्रूफ करना है, ये एनसीईआरटी में भी आपको दिया हुआ है 8.3 में क्वेश्चन नंबर 6 में, उसी फॉर्म में क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसे घुमा दिया गया है। तो देखिए हमें गिवन क्या है, एक ट्रायंगल है, हमें प्रूफ ये करना है, ठीक है, तो हमें जो गिवन है ABC ट्रायंगल, हमने उसी का इस्तेमाल किया, हमें पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी में तीनों एंगल को प्लस करके 180 आता है, बी प्लस सी को छोड़ दीजिए, प्लस का ये क्या हो गया माइनस, ठीक है, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दिया, तो बी प्लस सी को 2 से डिवाइड करा, 180 को भी 2 से डिवाइड करा, ए को भी 2 से डिवाइड करा, सबको 2 से डिवाइड कर दिया, बी प्लस सी अपॉन में 2 अपनी जगह, 180 को 2 से डिवाइड करो 90 आएगा, ए अपॉन 2 अपनी जगह पे। अब हमने देखा, देखिए अब 2 से क्यों डिवाइड किया, उसके पीछे लॉजिक है, ए को क्यों लेके वो भी लॉजिक है, हमें प्रूफ क्या करना है ये देखिए, हमने यहां देखा बी प्लस सी एक साथ है और ए अलग है, तो ए को हमने ए को ही भेजा, इसलिए ए को ही भेजा,
अब हमने देखा b प्लस सी के अपॉन में 2 लाना है, इसलिए हमने 2 से डिवाइड किया। अब हमने देखा b प्लस सी अपॉन 2 तो आ गया, साथ में कोसेक स्क्वायर है, तो दोनों साइड हम कोसेक स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे। यानी जहां तक हमें पहुंचना है, जिस प्रूफ पे लाना है हमारा आंसर, हम उसको फॉलो करते रहेंगे। तो दोनों साइड यहां भी कोसेक स्क्वायर की मल्टीप्लाई, यहां भी कोसेक स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर दी, ये जैसा था एज इट इज उतार दिया। हम जानते हैं कि कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, तो कोसेक बदल गया सेक और थीटा की जगह ये आ गया, ये जैसा था वैसे लिख दिया। अब sec square का भी एक फॉर्मूला होता है, sec square theta, ये theta आपके लिए, तो sec square theta का फॉर्मूला क्या होता है, 1 plus tan square theta। देखिए cosec square अपनी जगह, ये जो प्लस का tan square है, ये इधर आगे क्या होगा, माइनस का, तो इक्वल टू में क्या बचा, 1। तो ये हमारा आंसर आ गया जो हमें रिक्वायरमेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, sec square 10 minus cot square 80 और प्लस में ये दिया हुआ, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो बिल्कुल वही रूल फॉलो करेंगे जो आपको बताया था, इन दोनों में किसी एक को चेंज कर लीजिए। sec square 10 छोड़ दिया, cot को चेंज करूंगा 10 90 माइनस थीटा में। अब यहां पे दो वैल्यू है और यहां भी दो वैल्यू है, तो पहले इन दोनों में से किसी एक को बदलिए। मैंने sin 15 को छोड़ दिया और cos 75 को बदल दिया sin 90 माइनस थीटा में। cos 15 को छोड़ दिया, sin 75 को बदल दिया cos 90 माइनस थीटा में। यहां भी देखिए cos थीटा की जगह cos थीटा, sin 90 माइनस थीटा क्या बन गया, cos थीटा, sin थीटा की जगह sin थीटा और cos 90 माइनस थीटा क्या बन गया, sin थीटा। ये sec स्क्वायर, ये tan स्क्वायर, 90 में से 80 करोगे 10, sin 15, sin अपनी जगह, 90 में 75 करोगे 15, cos 15 अपनी जगह, cos अपनी जगह और 90 में 75 माइनस करोगे 15, cos की cos से मल्टीप्लाई करोगे cos स्क्वायर, sin की sin से मल्टीप्लाई करोगे sin स्क्वायर। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इस पूरे की वैल्यू हम जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। sin 15 sin 15 sin स्क्वायर 15, cos 15 cos 15 cos स्क्वायर 15, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, नीचे जो लिखा हुआ है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो एक तो हमारे पास 1 आ गया शुरू वाला, ये 1 आ गया प्लस का, फिर से sin स्क्वायर और प्लस cos स्क्वायर, sin स्क्वायर cos स्क्वायर दोनों मिलकर 1 होता है, तो 1 और 1 2 एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, 40 पे आ चुके हम। देखिए ये हमें प्रूफ करना है, LHS दिया हुआ है RHS, तो मैंने LHS ले लिया, ये हमारा LHS है। देखिए tan का फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, cot का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा, sin थीटा cos थीटा जैसा था वैसे लिख दिया। अब इन दोनों का आप LCM लोगे, sin थीटा cos थीटा का LCM लोगे तो sin थीटा cos थीटा, sin की मल्टीप्लाई sin से होगी तो sin स्क्वायर, माइनस से तो माइनस, cos की cos से करोगे तो cos स्क्वायर थीटा, ये जैसा था वैसे लिख दिया नीचे वाला। साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर तो ऊपर है, ये जो नीचे वाले साइन और कॉस है और जो नीचे वाले साइन कॉस है, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो बीच वाली वैल्यू होती है वो नीचे आती है। तो साइन की साइन से मल्टीप्लाई करोगे साइन स्क्वायर, कॉस की कॉस से मल्टीप्लाई करोगे कॉस स्क्वायर। एक साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर और एक साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, ये एग्जैक्ट आ गई वैल्यू। अब दोनों को सेपरेशन मेथड फॉलो कीजिए, दोनों को सेपरेट कर दीजिए, साइन स्क्वायर अपॉन में जो नीचे वाली वैल्यू थी अलग कर दीजिए, ऐसे ही माइनस कॉस स्क्वायर ऊपर और जो नीचे वाली वैल्यू है उसको अलग कर दीजिए। अब आप देखोगे साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, वन अपॉन कॉस स्क्वायर बचा, ऐसे ही कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, वन अपॉन साइन स्क्वायर बचा। वन अपॉन कॉस स्क्वायर हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर बन जाएगा, भाई वन अपॉन कॉस का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर लगा दिया। और ऐसे वन अपॉन साइन किसका फॉर्मूला होता है, कॉसेक का, तो कॉसेक स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर था स्क्वायर। अब आप देखिए क्या सेक स्क्वायर का भी कोई फॉर्मूला होता है, हाँ जी सेक स्क्वायर का भी फॉर्मूला होता है, क्या, वन प्लस टेन स्क्वायर, माइनस है तो माइनस। क्या कोसेक स्क्वायर का भी फॉर्मूला होता है, हाँ जी वन प्लस कॉट स्क्वायर, वन प्लस टेन स्क्वायर अपनी जगह, माइनस है तो माइनस, साइन चेंज हो जाएगा, वन की जगह वन, ये प्लस का चेंज हो जाएगा माइनस में क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस था, माइनस का कॉट स्क्वायर, माइनस वन और प्लस वन कैंसिल कर दिया, ये बचा टेन स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। और हम जानते हैं कि टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर हमें आंसर लाना था, तो ये हमारा RHS आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 पे आ गए। क्वेश्चन 41 आपको ये दिया हुआ है प्रूफ करना है, ये भी प्रूफ डेट वाले क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइम क्वेश्चन आ गया। अब तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश करता हूं मैं। ये मैंने LHS ले लिया, sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, ये LHS आपका दिया हुआ था। अब कई मेथड है इस क्वेश्चन को करने के, आपको आई होप ये वाला मेथड पसंद आएगा, और भी मेथड है, अगर आपको और मेथड करने हो तो उस मेथड से भी कर सकते हो। देखिए sec थीटा की जगह sec थीटा, tan थीटा की जगह tan थीटा, माइनस 1 की जगह फॉर्मा लगा दिया, sec थीटा वाला sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, नीचे जैसा था वैसे लिख दिया, sec थीटा प्लस tan थीटा अपनी जगह, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर का फॉर्मा लगा दिया,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्म लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, नीचे कोई चेंज नहीं करा, जैसा था उसे वैसे लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, sec प्लस टेन जैसा था sec प्लस टेन वैसे लिख दिया। अब आप यहां देखिए कि sec प्लस टेन और sec माइनस टेन और sec प्लस टेन, ये वाली चीज इसमें भी है और इसमें भी है, तो sec प्लस टेन और sec प्लस टेन मैंने दोनों में से कॉमन निकाल लिया, ये कॉमन आ गया, sec प्लस टेन कॉमन निकाल लिया। जब इस पूरे में से और इस पूरे में से आप sec प्लस टेन को कॉमन निकालोगे तो इसके पास क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो यहां वन आ गया, माइनस की जगह माइनस बचा, ये तो ऑलरेडी कॉमन आ चुका है, ये ब्रैकेट बच गया तो ये ब्रैकेट लिख दिया, नीचे कोई चेंज नहीं करा। sec प्लस टेन जैसा था sec प्लस टेन वैसे उतार दिया, वन की जगह वन, माइनस की जगह माइनस, sec की जगह sec, माइनस का हो जाएगा प्लस, साइन चेंज हो जाएगा, नीचे जैसा था वैसा। अब ये पूरा ब्रैकेट और नीचे वाला ब्रैकेट कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बचा, sec थीटा प्लस tan थीटा। क्या sec का भी कोई फॉर्मूला होता है, हाँ जी फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos। क्या tan का फॉर्मूला होता है, हाँ जी sin प्लस cos, दोनों का एलसीएम ले लिया, cos और cos का एलसीएम cos, तो ऊपर बचेगा 1 प्लस sin, ये हमारा हो गया LHS सॉल्व। अब क्योंकि आंसर नहीं आया 1 प्लस sin और cos आंसर नहीं आया, तो हमने क्या करा, cos से मल्टीप्लाई कर दी, ऊपर नीचे cos से मल्टीप्लाई कर दी, मतलब ये जो आंसर आया आपका ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है। तो अब आंसर आने के लिए हमने ऊपर भी cos मल्टीप्लाई करी, नीचे भी cos मल्टीप्लाई करी, तो 1 प्लस sin थीटा अपनी जगह, cos की मल्टीप्लाई cos अपनी जगह, cos और cos की मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए इस पूरे में से एक ही फॉर्मूला बनता है, वो है cos स्क्वायर का, तो वही करने वाले हैं। ऊपर जैसा था हमने एज इट इज उतार दिया, cos स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है जी, 1 माइनस sin स्क्वायर, ऊपर जैसा था वैसा लिख दिया, 1 को लिख सकता हूं मैं 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, ये जैसा था वैसे लिख दिया, ऊपर जैसा था फिर से वैसे उतार दिया उसे, 1 प्लस sin और cos जैसा था वैसे लिख दिया। यहां एक फॉर्मूला लग रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में, 1 प्लस sin से 1 प्लस sin कट गया, ऊपर क्या बचा cos थीटा, नीचे क्या बचा 1 माइनस sin थीटा, और यही हमारा RHS है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन आते हैं 42 पे, ये क्वेश्चन था और हमें आपको ये प्रूफ करके देना था। तो सबसे पहले मैंने LHS ले लिया, जो LHS था मेरे पास वो लिख दिया, देखिए 1 अपनी जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, कॉट स्क्वायर, 1 अपनी जगह 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर, कॉट को उल्टा करोगे तो 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 अपनी जगह कॉट का फॉर्मा लगा दिया, कॉस अपॉन में साइन, 1 और प्लस जैसा था वैसे लिख देंगे, 10 का फॉर्मा लगा दोगे साइन अपॉन कॉस, यानी कॉट और 10 को कन्वर्ट कर लिया। अब आप पहले ब्रैकेट में जब एलसीएम लोगे तो दोनों का एलसीएम क्या आएगा, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर की 1 से करोगे साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर की 1 से करोगे कॉस स्क्वायर, ऐसे दूसरे ब्रैकेट में देखो 1 और कॉस स्क्वायर का एलसीएम क्या आएगा, कॉस स्क्वायर, 1 की कॉस स्क्वायर से करोगे तो कॉस स्क्वायर, और 1 की साइन स्क्वायर से करोगे तो साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ये भी 1 होता है अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 और नीचे क्या बचा साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, 1 ऊपर जैसा था वैसे छोड़ दो, साइन स्क्वायर को वैसे छोड़ दो, मैंने कॉस स्क्वायर को कन्वर्ट कर लिया, कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है जी, 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है, कॉस स्क्वायर की जगह फॉर्मूला लगा दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 जैसा था वैसे, अब साइन स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 से करो तो साइन स्क्वायर आएगा, और साइन स्क्वायर की जब साइन स्क्वायर से करोगे तो साइन की पावर 4, तो ये हमारा RHS आ गया जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन 43, ये आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ था और आपको जीरो प्रूफ करना था, ऑलरेडी कई बार बोर्ड में आ चुका है ये क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था पहले भी, तो सबसे पहले देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, पहले LHS ले लेंगे, LHS जैसा था वैसे उतार दिया, 2 की जगह 2, 6 को मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर का क्यूब, 6 को लिख सकता हूँ स्क्वायर का क्यूब, 3 से मल्टीप्लाई अंदर, 3 से मल्टीप्लाई अंदर, 1 था वैन उतार दिया। अब देखिए 2 तो अपनी जगह है, ठीक है, यहाँ फॉर्मूला देगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ये ए है ये बी है, तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, बी स्क्वायर यानी ये भी 4 हो जाएगा, माइनस ए बी, ये फॉर्मूला लगा दिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का यहाँ पर ये पूरा फॉर्मूला लगा दिया, ये जैसा था उसे एज इट इज वैसा ही लिख दिया, कोई चेंज नहीं करा, 2 की जगह 2, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हम जानते हैं 1 होता है, ये जैसा था पूरा वही एज इट इज उतार दिया, ये भी जैसा था उसे पूरा एज इट इज उतार दिया। अब 2 से मल्टीप्लाई करा, जब 2 से मल्टीप्लाई साइन की पावर 4 को करूंगा तो 2 साइन की पावर 4,
2 की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो ये आएगा, 2 की मल्टीप्लाई इसमें भी करूंगा तो 2 sin square cos square, ये जैसा था इधर वाली वैल्यू जैसी थी एज इट इज उसे वैसे ही लिख दिया। आगे देखते हैं, अब ये देखिए sin की पावर 4 दो बार है प्लस का और sin की पावर 4 तीन बार है माइनस का, तो इसमें से इसे माइनस करूंगा तो क्या बचेगा, माइनस साइन की पावर 4 एक बार, तीन बार था और ये दो बार था, ऐसे ही कॉस की पावर 4 तीन बार माइनस का, यहां दो बार प्लस का तो माइनस कॉस की पावर 4, ये जैसा था उसे वैसे लिख दिया और क्या बच गया प्लस का 1। अब मैंने इन तीनों में से ये देखिए ये जो तीनों इनमें माइनस के हैं इनमें से माइनस कॉमन ले लिया तो ये बच गया प्लस का, 4 का मतलब है स्क्वायर का स्क्वायर, ये भी बचा प्लस का, 4 का मतलब स्क्वायर का स्क्वायर और ये जैसा था उसे वैसे लिख दिया। ऐसा करने से मैंने देखा ब्रैकेट के अंदर एक फॉर्मूला तैयार हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए क्या है मेरे पास ये, बी क्या है मेरे पास ये, और इस पूरे की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर कर दिया तो 1 आ गया, 1 की जगह 1 लिख दिया, ये वाला 1 और ये 1 कट गया आपस में, तो आंसर आ गया आपका 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं 44 पे, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, पहले एलएचएस ले लिया, आरएचएस प्रूफ करना है, पहले एलएचएस ले लिया हमने, देखिए जहां जहां फॉर्मा लग सकता है वहां फॉर्मा लगा देंगे, पहले 1 की मल्टीप्लाई कर दी पूरे ब्रैकेट से, तो जब 1 की मल्टीप्लाई साइन माइनस कॉस से करोगे तो साइन माइनस कॉस आ गया, फिर कॉट की मल्टीप्लाई होगी पूरे ब्रैकेट से तो कॉट बाहर, फिर ब्रैकेट पूरा जैसा था वैसे लिख दिया, फिर टेन की मल्टीप्लाई भी होगी ब्रैकेट से तो टेन जैसा था वैसे और फिर पूरा ब्रैकेट, ठीक है, मतलब 1 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट से, कॉट की मल्टीप्लाई ब्रैकेट से, टेन की मल्टीप्लाई ब्रैकेट से, तीनों की मल्टीप्लाई कर दिया, ये जैसा था उसे एज इट उतार दिया, कॉट ए साइन ए की मल्टीप्लाई कॉट ए साइन ए, कॉट की कॉस से करोगे कॉट ए कॉस ए, टेन की साइन से करोगे टेन ए साइन ए, टेन की कॉस से करोगे टेन ए कॉस ए, ये जैसा था एज इट इज लिख दिया, कॉट का फॉर्मूला कॉस अपॉन साइन, कॉट का फॉर्मूला कॉस अपॉन साइन, टेन का फॉर्मूला साइन अपॉन कॉस, टेन का फॉर्मूला साइन अपॉन कॉस, ये साइन कैंसिल, ये कॉस कैंसिल, साइन अपनी जगह कॉस अपनी जगह, यहाँ क्या बचा कॉस ए, यहाँ कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा तो वापस कॉट ए वापस आ गया, कॉस ए अपनी जगह, ये इसलिए लिखा क्या कि आप ये ना पूछो कि सर जी आपने यहाँ तो कॉट का फॉर्मा लगा दिया यहाँ क्यों नहीं लगाया, तो मैं दोनों जगह लगा दिया आपको समझाने के लिए, यहाँ कैंसिल नहीं हो रहा तो वापस कॉट आ जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा, साइन अपॉन कॉस टेन ए, साइन अपनी जगह कॉस ए कॉस कैंसिल साइन, अब ये साइन माइनस का और ये साइन प्लस का कैंसिल, ये माइनस का कॉस ये प्लस का कॉस ये भी कैंसिल, बचा क्या आपके पास माइनस कॉट ए कॉस ए ये और प्लस टेन ए साइन ए ये, ठीक है, तो प्लस वाला आप पहले लिख दिए माइनस वाला बाद में लिख दिए, ये आपका आंसर आ गया जो रिक्वायरमेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 45 क्वेश्चन पे आ चुके हम, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ था साइन थीटा और कॉस थीटा एम है और sec थीटा प्लस cosec थीटा n है, तो आपको ये प्रूफ करना था, ठीक है, n ब्रैकेट में m square minus 1 equal to 2m, ये आपको प्रूफ करना है, तो पहले मैंने LHS ले लिया जो मुझे प्रूफ करना है, देखिए क्या लिखा हुआ n, तो n की वैल्यू ये रही n की वैल्यू, ये रही n की वैल्यू, इसे पुट कर दिया, फिर m square, तो m square ये है तो इसका स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का 1, ये जैसा था वैसे लिख दिया, यहां फॉर्मूला आएगा a plus b का होल स्क्वायर, तो a square plus b square plus 2ab minus का 1, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगी 1 बन जाएगा, sec थीटा का फॉर्मूला 1 अपॉन cos, cos का फॉर्मूला 1 अपॉन sin, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 बन जाएगा, 2 sin थीटा cos थीटा ऐसे रहेगा माइनस का 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, इन दोनों का एलसीएम ले लिया, साइन और कॉस का एलसीएम क्या आएगा साइन कॉस, साइन की 1 से करोगे साइन, कॉस की 1 से करोगे कॉस, यहां बचा 2 साइन कॉस, ये साइन कॉस और ये साइन कॉस आपस में कैंसिल हो गए, ऊपर क्या बचा टेन थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और बाहर क्या बचा 2, तो मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 की जगह 2, अब ये देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा किसकी वैल्यू है m की, तो मैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की जगह m लिख दिया, तो ये हमारा आरएचएस आ गया, यही हमसे पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 46 की, ये क्वेश्चन है बड़ा सा आपको दिया हुआ है, इसमें वही रूल फॉलो करेंगे, दो में से एक को चेंज करने वाला, चलिए वापस आते हैं इस क्वेश्चन पे, देखिए क्वेश्चन कैसे चेंज है, एलएचएस लिख दिया, जो एलएचएस था उसे एज इट उतार दिया मैंने, जो आपका एलएचएस था ये क्वेश्चन का एलएचएस, इसे एज इट इज उतार दिया, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है, स्टार्ट करते हैं, देखिए कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, टेन थीटा की जगह टेन थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक थीटा की जगह सेक थीटा, साइन 12 साइन 12, कॉस 15 कॉस 15,
चार वैल्यू दे रखी है, चार मैंने आपको अभी बताया था, चार में से दो को चेंज करना होता है, दो किसी को भी आप छोड़ दो और दो किसी को भी चेंज कर दो। तो सेक बदल गया कोसेक 90 माइनस थीटा में, और ये कोसेक बदल गया सेक 90 माइनस थीटा में, टेन स्क्वायर बदल गया कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा, टेन स्क्वायर बदल गया कॉट 90 ये थीटा माइनस थीटा, और फिर ये जैसा था वैसे लिख दिया। यहां भी चार वैल्यू है, चार में से दो को आप स्किप कर दीजिए और दो को आप चेंज कर दीजिए, दो को चेंज कर दिया, tan थीटा tan स्क्वायर, sec थीटा sec स्क्वायर, sin 12 cos 15 छोड़ दो, cosec 90 माइनस थीटा करके cosec 12 आ गया, sec 90 माइनस थीटा करके sec 15 आ गया, cot स्क्वायर 90 में से 50 माइनस करोगे 40 माइनस थीटा, या tan स्क्वायर जैसा था वैसे लिख दिया, tan 15 tan 37 एज इट इज लिख दिया, cot 90 माइनस थीटा करके 37 आ गया, cot 90 माइनस थीटा करके cot 15 आ गया। अब हमने देखा कि देखिए टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो यहां से माइनस कॉमन ले लो, जैसे ही आप माइनस कॉमन लोगे तो आप अंदर बचेगा सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, उल्टा हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर की वैल्यू वन होती है। साइन 12 और कोसेक 12 की वैल्यू वन, और कॉस 15 और सेक 15 की वैल्यू भी वन, कॉट स्क्वायर टेन स्क्वायर दोनों कैंसिल होकर वन, टेन 15 कॉट 15 दोनों मिलकर वन, टेन 37 कॉट 37 वन, तो माइनस वन अपॉन वन और वन सब कुछ कैंसिल होके आपका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। 47 की बात है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एलएचएस ले लिया, एलएचएस लेकर जो ये पहली वैल्यू है, दो वैल्यू है, एक ये और ये, और आप मुझे आंसर लाना है, ठीक है। तो जो फर्स्ट वैल्यू है मैंने उसका रैशनलाइजेशन कर दिया, ये प्लस है तो यहाँ क्या आ गया माइनस, सेकेंड वैल्यू जैसी थी वैसे छोड़ दिया, वन की वन ऊपर आएगा कॉसेक माइनस कॉट एज इट इज, नीचे फॉर्मूला जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी का, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉसेक माइनस कॉट जैसा था वैसे लिख दिया, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वन, वन अपॉन साइन किसका फॉर्मूला है जी कॉसेक का, तो कॉसेक आ गया। अब क्या क्या बचा, अब ये देखिए, एक बचा कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा माइनस का कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा कॉसेक थीटा कैंसिल, क्या बचा माइनस का कॉट थीटा, ये मेरा एलएचएस आ गया। अब मैं आरएचएस की तरफ देखता हूँ कि आरएचएस क्या है, मैंने आरचेस ले लिया, तो आरचेस केवल ये था यहां से लेकर यहां तक, इसमें सेकंड वाले का, उसमें फर्स्ट का रेशनलाइजेशन, इसमें सेकंड का रेशनलाइजेशन, अब यहां माइनस है तो यहां दोनों में क्या आ जाएगा प्लस, ये जैसा था वैसे लिख दिया, वन की इससे मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा, यहां फॉर्मूला आएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी का, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन अपॉन साइन ऐसे ही है, कॉसेक प्लस कॉट भी ऐसे ही है, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर नीचे आ गया, वन अपॉन साइन कॉसेक प्लस कॉट, कॉसेक प्लस कॉट। अब ये बताइए कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर की वैल्यू वन होती है, तो नीचे वन तो लिखते नहीं, तो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर वैल्यू वन हो गई, उसे नीचे लिखा नहीं, वन अपॉन साइन क्या बन गया कॉसेक माइनस का कॉसेक, और ये भी माइनस का हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट में माइनस है, माइनस का कॉट, ये कॉसेक और ये कॉसेक कैंसिल, आपका बचा माइनस कॉट थीटा, तो एलएचएस और आरएचएस दोनों आपके इक्वल आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, देखिए आपको m की वैल्यू दे रखी है cos अल्फा cos बीटा, n की वैल्यू है cos अल्फा sin बीटा, और आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो सिंपल आप जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ये आपको प्रूफ करना है, तो आप LHS ले लीजिए। LHS क्या है, m square plus n square cos square beta, बिल्कुल टेंशन ले कम करते हुए आप LHS में वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए m है, m की वैल्यू ये थी स्क्वायर स्क्वायर, n है, n की वैल्यू ये थी स्क्वायर है स्क्वायर, cos square beta जैसा था वैसे लिख दिया, तोड़ो cos square beta cos square alpha upon में cos square beta, cos square alpha upon में sin square beta, ये जैसा था वैसे ही, इन दोनों का क्या लोगे LCM, तो cos square beta और sin square beta, cos square alpha की sin square beta से ये आ गया, cos square beta की cos square alpha से, तो cos square beta ये आ गया, cross multiply कर दी, दोनों की cross multiply कर दी। अब देखो क्या कुछ cancel हो रहा है, दोनों में से हमने कुछ common ले लिया, क्या common लिया जी, यहाँ देखिए आपके पास cos square alpha यहाँ भी है, cos square alpha यहाँ भी है, तो cos square alpha कॉमन ले लिया, cos square alpha से cos square alpha कॉमन, यहाँ क्या बचा sin square beta, यहाँ क्या बचा cos square beta, नीचे जैसा था वैसा ही, बाहर जैसा था वैसा ही। हम जानते हैं कि ऐसा कॉमन लेने से हमें क्या फायदा मिला, cos square alpha अपनी जगह sin square plus cos square दोनों मिलकर क्या हो गया वन, नीचे जैसा था वैसा, बाहर जैसा था वैसा, इस cos square beta से ये वाला cos square beta कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा cos square alpha, नीचे क्या बचा sin square beta, दोनों पे square है तो मैं whole square लिख दूंगा, दोनों पे square है तो मैं whole square लिख दूंगा। अब जानता हूं cos alpha और sin beta
ये किसकी वैल्यू थी n की, तो n स्क्वायर था तो स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 पे। देखिए ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, अभी मैंने 49 क्वेश्चन समझा जो पीछे क्वेश्चन था, एज इट इज 32 दोनों क्वेश्चन में ये कॉमन थी कि एज इट इज क्वेश्चन में 32 जो सपोर्टिंग मटेरियल का वही है, तो आप पीछे चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 पे आ गया मैं। देखिए ये आपका दिया हुआ था, आपको इन पूरे को सॉल्व करके वन प्रूफ करना है, ठीक है। तो LHS लेके चलेंगे, sec स्क्वायर ले लिया, LHS मैंने पहले लिख लिया, sec स्क्वायर अपनी जगह पे, sin स्क्वायर अपनी जगह पे, 1 अपनी जगह पे, माइनस 2 अपनी जगह पे। देखिए sin स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, 1 माइनस cos स्क्वायर, cos स्क्वायर अपनी जगह पे, 2 cos स्क्वायर अपने नीचे जैसा था वैसा। या तो आप ऊपर फॉर्मूला लगाइए sin स्क्वायर की जगह, या cos स्क्वायर की जगह नीचे, कोई एक जगह फॉर्मूला लगाना आपको। तो मैंने ऊपर फॉर्मूला लगा दिया, नीचे जैसा था वैसे छोड़ दिया। sin स्क्वायर अपनी जगह पे, sec स्क्वायर अपनी जगह पे, sin स्क्वायर अपनी जगह पे, 1 अपनी जगह पे, माइनस 2 की 1 से करोगे माइनस 2 आएगा, माइनस 2 की इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 2 cos स्क्वायर आ जाएगा, नीचे जैसा था वैसे ही छोड़ दो। वापस आते हैं, क्या बचा, sec स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर अपनी जगह पे, 1 में से 2 माइनस करोगे माइनस 1 बचेगा, ये जैसा था वैसे लिख दो, नीचे जैसा था एज इट इज लिख दो। अब ये पूरा ब्रैकेट और ये पूरा ब्रैकेट आपका कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका sec स्क्वायर थीटा, एक तो बचा ये sec स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर और cos स्क्वायर, ये बच गया आपका। तो ये लिख दिया, हम जानते हैं sec स्क्वायर अपनी जगह पे, sin अपॉन cos किसका फॉर्मूला है, tan का, और sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, इस ये पूरा फॉर्मूला होता है, इसकी वैल्यू आप जानते हो, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर की जगह 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 51 बड़ा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें भी वही रूल फॉलो होगा, दो में से आपको आधे को कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, cosec थीटा अपनी जगह पे, अंडर रूट 3 अपनी जगह पे। अब देखो 1 2 3 तीन वैल्यू है, तो आप इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि इसकी वैल्यू हम जानते हैं, tan 60 की वैल्यू हम जानते हैं कि अंडर रूट 3 होती है, तो इसमें और इसमें किसी दो में से एक को चेंज करना, इसको छोड़ देना है, तो यही करेंगे हम भी यहां पर। cot थीटा अपनी जगह, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, cosec थीटा अपनी जगह पे, अंडर रूट 3 अपनी जगह पे, tan 12 अपनी जगह पे, tan 60 अपनी जगह पे, tan 78 को बदल लिया cot 90 माइनस थीटा में, ठीक है। cot और cot, cot स्क्वायर, cosec और cosec, cosec स्क्वायर, अंडर रूट 3 अपनी जगह, tan 12 अपनी जगह, अंडर रूट tan 60 अपनी जगह, cot 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला आ गया, cot 12 आ गया, ठीक है। अब cot स्क्वायर माइनस cosec स्क्वायर कोई फॉर्मूला नहीं होता, बार बार ये कौन सा बता रहा हूँ, माइनस कॉमन लीजिए तो cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर बन जाएगा, तो माइनस 1 आ गया। अंडर रूट 3 अपनी जगह, tan 12 और cot 12, इन दोनों की वैल्यू 1 होती है, तो क्या बचा tan 60, एक तो बचा माइनस 1 अंडर रूट 3 और tan 60 की वैल्यू अंडर रूट 3, माइनस 1 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 3 बन गया, 3 में से 1 घटाएंगे 2 बच गया। अब आपका लास्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 52 लास्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए इसमें वही कॉन्सेप्ट फॉलो होगा, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करना है, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, cosec थीटा अपनी जगह पर, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot थीटा अपनी जगह पर, cos स्क्वायर 25, इन दोनों में किसी एक को बदलिए, दो में से एक को चेंज कर लिए, cos स्क्वायर 25 अपनी जगह, cos स्क्वायर को बदल लीजिए sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा में। अब 3 की जगह 3, अब यहां पे दो वैल्यू है, दो में से आप किसी एक को चेंज कर लीजिए, तो मैं tan 27 यहीं छोड़ दिया और tan 63 को बदल लिया cot 90 माइनस थीटा में। cosec 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 स्क्वायर, cot 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 स्क्वायर, cos स्क्वायर 25 अपनी जगह, sin 90 माइनस थीटा कांसेप्ट लगा के आ गया sin 25, 3 tan 27 3 tan 27 cot 90 माइनस थीटा करा, 90 में से घटाओगे तो ये आ जाएगा आपका। अब देखिए हर जगह 1 आ जाएगा, हम जानते हैं कि cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर ये दोनों मिलकर 1 होता है, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर ये दोनों, इन दोनों की वैल्यू 1 होती है 3 अपनी जगह पे, और tan 27 और cot 27 दोनों की वैल्यू 1 होती है, तो 1 और 1 2 आ गया और ये आ गया 3, तो आपका आंसर आ गया 2/3। तो टोटल 4 पार्टों में 4 वीडियो हमने अपलोड करी है ट्रिग्नोमेट्री के, इसमें सारे क्वेश्चन आपके सपोर्टिंग मटेरियल कवर हो जाते हैं। आई होप आपको मेरे वीडियो पसंद आते होंगे, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, मैं आगे और भी सारे चैप्टर आपको अपलोड कर दूंगा, तो आपको अधिक से अधिक सपोर्टिंग मटेरियल क्वेश्चन करके जाइए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। थैंक यू।